चुआ देखो चुआ का है अब आगे जाम लग गया। मम्मी देखो अबे वो बलून हो हिल रहा, वो बड़ा बलून। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल जयमाला राणा उत्तराखंडी में, और मेरा नाम है जयमाला राणा। तो आज हम आए हैं दक्ष मंदिर। ये हरिद्वार में कनखल एरिया में पड़ता है दक्ष मंदिर, और ये जो है माता सती थी उनका ये जन्म स्थान है। और यहाँ पर जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ पर वो कुंड भी बना हुआ है जो अग्निकुंड था। तो माता सती ने यहाँ पर जो है अग्निकुंड में जो है उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सब कुछ यहाँ पर जो है अंदर मंदिर में दिखाया गया है, लेकिन जो है पुजारी जी ने जो है अंदर मंदिर के अंदर जो है वीडियो और फोटो जो है खींचने या वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ये हर जगह होता है। आप मंदिर परिसर में जो है कहीं भी फोटो और वीडियो बना सकते हैं, खींच सकते हैं, लेकिन जो है मंदिर के अंदर जो है आप अलाउड नहीं है कैमरा, तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और यहाँ पर हमने पूजा जो है कर दी है, दर्शन कर लिए हैं अच्छे से। और जो ये अंदर मंदिर दिख रहा है ये है शनि मंदिर, और यहाँ पर भैरवनाथ की इतनी बड़ी मूर्ति है और माता दुर्गा की इतनी बड़ी मूर्ति कि आप जब देखोगे ना सामने तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ये साक्षात है। इतने मतलब भव्य और चमत्कारी जो मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, तो देखते ही ऐसा लगता है एकदम मतलब सामने एकदम जाने में भी डर सा लगता है, इतनी भव्य मूर्ति बनाई है यहाँ पर। यहाँ पर जो है हमने दर्शन कर लिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। यहाँ पर श्रावण के महीने में और सोमवार के दिन बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि भाई जो भी श्रावण के महीने, श्रावण का महीना तो जो है मन्नत वाला महीना होता है ना, तो उस समय जो भी यहाँ पर अपनी मन्नत लेके आता है वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि भाई ये माता सती का जन्म स्थान है, उनका मायका है ये। तो ये दक्ष मंदिर बोलते हैं इन्हें, और बहुत बड़ा मंदिर है, और मतलब बहुत बड़ा एरिया में जो है मंदिर फैला हुआ है। और नीचे की साइड जो है नदी है, और ये जो है मंदिर का पीछे का रास्ता है। और ये जो है अब हम जो जा रहे हैं ना, तो ये हम शीतला माता मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि वो माता सती की माता जी हैं शीतला माता, तो उनका भी जो वहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद की दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, प्रसाद मिल जाएगा। और ये जो चूड़ियाँ होती हैं, गले में लॉकेट वगैरह जो होते हैं, सब कुछ जो है यहाँ पर पूजा का सामान आपको मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा एरिया है, और यहाँ पर जो बिल्कुल सामने है ये है शीतला माता का मंदिर, जो कि माता सती की माता जी का ये मंदिर है। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पर नीचे की साइड जो है बड़ी सी नदी है, और ये देखिए ये शीतला माता मंदिर है। यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि जो स्किन से रिलेटिव जिसकी भी प्रॉब्लम होती है ना कुछ भी, तो वो यहाँ पर शीतला माता के यहाँ पर आकर प्रसाद चढ़ा सकता है, तो उनकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ऐसा मैंने सुना था। तो यहाँ पर देखिए हम नीचे की साइड जा रहे हैं, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर भी, और 2 बजे के बाद यहाँ पर मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन अभी जो है 12-1 बजे का समय हो रहा होगा। और ये नीचे नदी है, आप चाहे यहाँ पर नहा सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर मुँह हाथ धो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई मनाही नहीं है। और यहाँ पर हमने जो है हाथ पैर धोए हैं अच्छे से, और लेकिन पानी में जाते ही थोड़ा सा ठंडा लगता ही है पानी, और जो है हम यहाँ पर नहाए नहीं, तो अभी हम थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। तो अभी हम जो है वापस दक्ष मंदिर में जा रहे हैं, यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं और नदी में भी रहे काफ़ी देर तक, और अभी हम जो है दक्ष मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और मंदिर के तो दर्शन हमने कर लिए हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण जो है
दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, और जब भीड़ रहती है तो उस समय थोड़ा सा दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो है उसी समय जो है अच्छा भी लगता है जब लाइन में आप ठोसा ठस भरे रहते हैं ना लाइन में, तभी अच्छा भी लगता है दर्शन करने में, क्योंकि उस समय जो है दर्शन बड़े मुश्किल से मिलते हैं भगवान के। तो इसीलिए जो है श्रावण के महीने में कभी भी आपको आना होगा तो श्रावण के महीने में ये ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर देखने लायक। और ये हम वापस से जो है दक्ष मंदिर में एंट्री कर लिए हमने। क्या और यहाँ पर भी जो है छोटी छोटी दुकानें हैं, फूल माला हैं, और गंगा जल ले जा रहे हैं तो बॉटलें वगैरह रखी हैं, बहुत सारा यहाँ पे जो है सामान रखा हुआ है। और ये देखिए, ये शिव शंकर की देखिए मूर्ति है जो कि माता को उन्होंने गोद में उठाया हुआ है। तो अभी जो है हम चले गए हैं हर की पेड़ी, और साथ ही जो है हम हर की पेड़ी, शाम का समय हो गया था, बिल्कुल शाम के 4-5 बजे का समय हो गया था, और हमने सोचा कि भाई जब यहाँ आ ही रखे हैं तो ये बिल्कुल पास पास है, तो जो है हम थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, उसके बाद जो है अभी जो है आरती का समय होने वाला है शाम को। तो आरती के जब समय होता ना, तो अगर आरती के आप समय में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको जो है वहाँ पर मतलब आरती देखने को मिलेगा ही नहीं, इतनी भीड़ रहती है। तो आपको थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले यहाँ पर आना होता है, और 1-2 घंटे पहले आप जो है अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, तब जाकर आप जो है यहाँ पर आरती देख पाएंगे। सुबह और शाम बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़, आरती देखने वालों की कोई कमी नहीं है, और ऐसा माहौल होता है ना आरती देखते समय कि आप कहोगे कि हम स्वर्ग में ही आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ने लग गई है, और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, यहाँ से लेकर बिल्कुल पूरा जो ये एरिया है पूरा ऐसा खचाखच भरा रहता है। लेकिन ये अभी तो बहुत समय पहले, हम 2 घंटे पहले यानी कि 2 या 1.5 घंटा पहले ही बैठ गए हैं, अभी थोड़ा सा कम है। तो अभी जो है थोड़ी देर में जब यहाँ पर आरती का समय होगा तो आरती शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ही देर में जो है आरती शुरू होने वाली है, और मैं वहाँ आरती के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं यहीं पर कहना चाहूँगी कि आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए जानने वालों में। और आगे आप आरती देखेंगे, मैंने थोड़ी ही डाली है कॉपीराइट की वजह से, तो आरती सुन लेना ज़रूर से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाय बाय। दिव्य आरती दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तों का श्री गंगा सभा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। कलिमल हारिणी पापनाशिनी माँ गंगा हम सभी भक्तों का कल्याण करने वाली है। मानव मात्र के कष्टों को हर कर सुख संपदा प्रदान करती है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप सब हमारे साथ दोहराते हुए संकल्प लें, और आप सभी के संकल्प का स्वर इतना हो कि इस पार के भक्तों की आवाज उस पार और उस पार के भक्तों की आवाज इस पार पहुंचे। हम हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी ने संकल्प लेते हैं कि पतित पावनी माँ गंगा की जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे।